अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके का आपका हमने सफर देखा आपका नाम अहमद है जी। गेमर क्यों? चिल चिल गेमर गेमर मैं आपको इस नाम के पीछे ना बड़ी लंबी सी स्टोरी है वही तो जाननी हाँ तो स्टोरी ऐसे है कि मेरा नाम चिल गेमर ऐसे पड़ा कि एक टाइम पे ना मेरी जिंदगी में ना बड़ी बहुत सारी चीजें खराब हो रही थी मेरे पास कुछ करने को नहीं था करने को नहीं था तो पैसे नहीं थे और मैं उन चीजों में डूबे जा रहा था डूबे जा रहा था अब गरीबी का नाम ले दूंगा फिर लोग कहेंगे यार क्या सिम्पति ले रहा है गरीबी लेके लेकिन ऐसे ही था मैं जो करना चाह रहा था वो हो नहीं रहा था ना मेरे घर मेरे घर वाले मेरे साथ में साथ दे रहे थे और मुझे फ़ोन से करना था क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर तुम्हें तो कुछ करना है तो फ़ोन से करना पड़ेगा फ़ोन था नहीं फ़ोन घर वाले दिला नहीं रहे थे पैसे मिलते नहीं थे कुछ करने के लिए तो वो बड़ी ज़िंदगी में इतना मिठासी नहीं थी बड़े खट्टापन आ गया था जिंदगी में मैं रोता था कमरे में जा जा के हिसक हिसक के रोता था बार बार अपनी किस्मत पे अपनी जिंदगी पे अपने ऊपर कि भाई मैं ये ये क्या क्या कर रहा हूँ यार मैं कुछ हो नहीं रहा है जिंदगी में कब आएगा मेरा दिन ये सोचता था मैं बैठ के रोज कि मेरा दिन कब आएगा कि ऊपर वाले ने मेरे लिए भी कुछ लिखा होगा क्या अपने पन्नों में तो लिखा तो है दिख रहा है अभी हाँ। तो इसकी वजह से फिर धीरे धीरे चीज़ें सही होती चली गई और जब मैं अपनी जिंदगी में चिल नहीं था तो जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया तो मैंने सोचा यार मैं अपनी जिंदगी में चिल नहीं हूँ तो हो सकता है अगर मैं अपना नाम चिल रख दू और गेम तो मैं खेलता ही था तो उसका आगे गेमर रख रुक तो हो सकता है मैं चिल हो जाऊ तो इसलिए मैंने अपना नाम चिल गेमर रखा था हाँ वो जब आपने ऑडिशन दिया था जी उस टाइम पे हमने सुना था कि आपने कहा था कि तीन साल आपने अपने आप को एक कमरे में बंद जी किया जी था ये जी ये जी बिल्कुल सही बात है नहीं तीन साल देखिए मैंने इसलिए एक कमरे में बंद हुआ मैं क्योंकि मेरा बाहरी जिंदगी से कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया था मुझे बाहर के लोगों में रिश्तेदारों में लड़कों के साथ उठने बैठने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मुझे लगता था कि टाइम वेस्ट होता है किसी के साथ भी मुझे ये था कि मैं ये अपने तीन साल सिर्फ अपने आप को दूंगा मेरी हेल्थ ख़राब हो मेरी बॉडी खराब हो मेरा दिमाग खराब हो लेकिन मैं करके रहूँगा कौन रोक सकता है मुझे किस हद तक सक रोक सकता है मुझे सिर्फ ऊपर वाला रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता तो मैंने तीन साल तक एक कमरे में बैठ के मैडम मैं सुबह जाता था मैं नाश्ता भी नहीं करता था सुबह जाता था मैं अपने रूम में चार्जर लेके और अपना फ़ोन लेके और वो चार्जर में लगाता था और मैं शाम को नीचे उतर के आता था सिर्फ खाना खाने के लिए पूरे दिन गेम खेलने के बाद एक टाइम का खाना खाया फिर से रूम में और जाके सो जाता था मेरा ये रूटीन रहा है तीन साल तक मैंने गेम को लिटरली इतना दिया है और गेम ने मुझे इतना मैं अभी तो ये सब चीज़ें हो गई मैं शो में चला गया लोगों ने मुझे देख लिया लेकिन जितना मुझे गेम ने दिया है ना वो मेरा बिल्डअप है मतलब गेम ने मुझे इज्जत दी पैसे दिए घर वालों को खुशी दी अगर गेम नहीं होता तो मैं नहीं होता आपके सामने नहीं बैठा होता तो गेम ने मुझे बहुत दिया तो इसके लिए चिल गेमर जी लेकिन चिल रहना अब अब तो चिल रहना है लाइफ में कुछ ना हो या ना होगा चिल रहना एकदम से है ना ये तो क्योंकि आप <laughs> मैं तो अपनी मस्ती में जी हाँ वही कह सकते कि दुनिया